दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये आज का वीडियो है लीवर से ही रिलेटेड है और आपके कमेंट्स को ही देख के मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो लीवर की सुरक्षा के लिए कौन कौन से आप ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसी के लिए वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आपको चार जूस बताऊँगा, इनमें से आप कोई सा भी कंटिन्यू में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपका लीवर धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर वो रिवर्सिबल वाली कंडीशन में है, मतलब अभी तक उसकी ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसकी सेल्स अभी तक इतनी डैमेज नहीं हुई हैं, और जो नॉर्मल कंडीशन है व्यक्ति की, अगर नॉर्मल कंडीशन है, कोई परेशानी नहीं है, लीवर ठीक है, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं अपने लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह की बीमारियों से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको चार तरह के जूस बताऊँगा जिनमें दो तीन आप जानते भी होंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों इसमें बेल का जूस। आप जानते हैं गर्मियों में बेल चलती है, तो इसका जैसे आप जूस पियेंगे तो हमारे कई सारे सिस्टम पर काम करता है। सबसे पहला काम करता है आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आते होती हैं, ये उनकी सफाई के लिए होता है। सेकंड, जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे हमारे इंटेस्टाइन में हो रहे हैं या फिर हमारे लीवर में हो रहे हैं, तो उसको सफाई करने का काम करता है। तो फैटी लीवर में, कॉन्स्टिपेशन में, आँतों की सफाई में, आँतों की बीमारी में, इंटेस्टाइनल डिजीज़ में, कोलाइटिस वाली कंडीशन में आपको रोज़ एक गिलास जूस पीना है। ठंडा ना हो, नॉर्मल आप उसको पीए। जैसे ही गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है आप उसको पीए, आपका लीवर प्रोटेक्ट रहेगा, उसके अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी। ये दोस्तों नंबर एक, बेल का जूस बहुत इजीली मिल जाता है, हर जगह आपको मिल जाएगा गर्मियों में। सेकंड आता है दोस्तों चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस मल्टीपर्पज़ है, इसका ध्यान ही रखना। अगर आपने एक बार चुकंदर का जूस पिया है और आपको पेट में सीवियर दर्द होता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सूट करने के लिए होता है कि कुछ पेशेंट्स को ये सूट कर जाता है, किसी को सूट नहीं कर पाता है, क्योंकि काफ़ी है हेल्दी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मल्टीपर्पज़ है, तो इसको पचाना, इसको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट ये जिनको डाइजेस्ट होता है उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि इससे कभी भी बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं होती है, कभी भी आपको कमजोरी नहीं होगी और कभी भी आपका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा। जिन दोस्तों का ब्लड प्रेशर कम रहता है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर के अंदर कोई सीवियर कंडीशन चल रही है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंटिन्यू में आपको बीमारी रही है कि लंबे समय से आपको टाइफाइड था, उसके बाद आपकी कमजोरी ठीक नहीं हो रही है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कभी भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है कि आपको खाली पेट लेना है या खाने के बाद, आप कभी भी ले सकते हैं। एक गिलास आपको सूट नहीं करता तो आप इसको आधा गिलास भी ले सकते हैं। चुकंदर का जूस बेस्ट है लीवर के लिए, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ऑरेंज का जूस। ऑरेंज आप जानते हैं, संतरे का जूस आप पीजिए, बहुत बेनिफिशियल है, मल्टीपर्पज़ है ये भी। सबसे पहले आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसको ठीक करेगा, फैटी लीवर की कंडीशन को ठीक करेगा, साथ में जो इम्यूनिटी पावर होती है, आप जानते हैं हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये उनको भी बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो संतरे का जूस, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करता है और हमें कई तरह से बीमारियों से दूर रखता है, और ये हमारे लीवर की प्रोटेक्शन तो करता करता है। तो आप ऑरेंज का जूस ले लीजिए। ऑरेंज का जूस अगर आप नहीं पीना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली खा भी सकते हैं। जो संतरे हैं आप उसको दिन में 2 से 3 बार खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लास्ट वन इज़ दोस्तों लेमन जूस। लेमन जूस मल्टीपर्पज़ है, विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, पेट में भारीपन रहता है, फैटी लीवर की कंडीशन है, फैट कटर का ही काम करता है। मल्टीपर्पज़ मीन्स कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा, बॉडी के अंदर आपकी BMI बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको कम करेगा, आपकी ओबेसिटी वाली कंडीशन है कि आपके अंदर वेट होना चाहिए 60 और आपका वेट है 80, तो वहाँ पे भी आप इसको कंटिन्यू में यूज़ करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होने लगी है। तो बहुत सिंपल है, नींबू पानी आप बना के पीजिए। नींबू पानी अच्छा नहीं लगता, आप डायरेक्टली नींबू भी ले सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। आप इसको 2-3 चम्मच पानी में ले सकते हैं, थोड़ी चीनी या आप नमक भी ऐड करके ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो इन चार में से आप कोई सा भी इस्तेमाल करें, आपके लीवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। कंटिन्यू में इस्तेमाल करें, इनका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई, अधिकतर ये आपको गर्मियों में मिलेंगी, जैसे अब गर्मी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इसमें अपने लीवर को ठीक करने के लिए, अपने लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीवर को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए आप इनको जरूर लीजिए। खाने में आप हेल्दी फूड्स लीजिए, जो जो परहेज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए हैं, क्या क्या आपको नहीं खाना है, ये भी मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ, तो आप उनको भी ध्यान रखें।
तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।